टिकटॉक यूजर डस्टिन वॉकर अकेले एक शाम केंटकी के जंगल में ट्रेलिंग कर रहे थे, जब काफी आगे चलकर उन्हें एक अबैंडन घर नजर आया। डस्टिन की शुरुआती इंस्पेक्शन में तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही उन्होंने घर को सर्कल करना शुरू किया तो इस शॉकिंग डिस्कवरी के बाद वे तुरंत वहां से निकल गए। क्या आपने देखा? ध्यान दिया जाए तो किसी तरह की स्ट्रेंज एंटिटी खिड़की पर मंडरा रही है, जो बाद में साइड की तरफ मूव हो जाती है। थैंकफुली डस्टिन बिल्डिंग में एंटर नहीं हुए, वरना कुछ बेहद ही भयानक उनके साथ घट सकता था। जंगलों की बात करें तो खूंखार जानवरों से एनकाउंटर कोई नई बात नहीं, पर वहीं किसी अननोन क्रीचर से सामना होने पर कोई भी चिंता में पड़ सकता है। टर्की से आई इस वीडियो में एक शख्स जंगल के बीच से गुजर रहा था कि तभी इस चीज ने उसका रास्ता रोक लिया। ओह शोर, बाकी शक्ल देखिमिश गेम्स। Allah'ım sen yana seni. Saçlara sakala bakın. Papaz mısın sen? Papaz. Allah'ım sen. Şekil mi değiştireyim? Başka biri daha var mı burada? Ya Allah. Ya. सफेद बालों वाली एक टेरिफाइंग ह्यूमनॉइड फिगर सामने खड़ी होकर अजीब आवाजें निकाल रही है, जबकि रिकॉर्डर बार बार उसे अपनी पहचान बताने के लिए कहता है। अब हो सकता है ये कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति हो, बट कई व्यूअर्स ने कमेंट किया कि ये एक इंसानी रूप लिए जिन है जो भूले भटके लोगों को अपना शिकार बना लेता है। फिलीपींस में अपने नए साइबर कैफे के ओनर अजेट बुएनो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनकी ये बिल्डिंग एक हॉन्टेड जगह पर बनी है। एक रात उनकी गर्लफ्रेंड जैन किसी जरूरी काम से कैफे ड्राइव करके पहुंची और अंदर केवल जैन और उनकी बिल्ली के अलावा और कोई भी नहीं था। हालांकि जो इसके बाद हुआ वो सचमुच में डरावना था।
टेबल पे पड़े डिवाइसेस अपने आप गिरने लगे और इन सब से जेन इतनी ज्यादा डर गई कि बाहर निकलकर उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाकर सब समझा दिया। अजेट ने जेन को शांत करवाया और वापस अंदर पहुंचकर जैसे ही उन्होंने लाइट बंद करी तो अब एक चेयर तेजी से उनकी तरफ स्लाइड हो गई। जेन इस सडन मूवमेंट से इतनी घबरा गई कि उन्होंने अपने पेपर्स ही कुर्सी के ऊपर फेंक दिए। अजेट ने एक्सप्लेनेशन के लिए सारा इंसिडेंट अपने सोशल्स पर शेयर कर दिया, मगर आज तक भी उन्हें इस भयानक घटना का असल कारण नहीं मिला। माइंड सी टीवी से पैरानॉर्मल जांच करता केसी और कोल्टन कोलोराडो सफर कर घने बर्फीले जंगल में स्थित एकमात्र घर में रात बिताने पहुंच चुके हैं। घर की ओनर सैरा ने बताया कि जब भी वे रात में सोने की कोशिश करती हैं तो उन्हें अपनी खिड़की के बाहर बच्चों के खेलने की भयानक आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि बाहर का टेम्परेचर हद से ज्यादा ठंडा है और ना ही दूर दूर तक कोई और इंसान वहां रहता है। जल्द ही सैरा को पता चल गया कि यहाँ पहले रहने वाला एक बच्चा घर के पीछे बहने वाली नदी में डूबकर मर गया था। केसी और कोल्टन हॉन्टेड प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करने जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं तो इमीडिएटली उन्हें कुछ अजीब नजर आ जाता है। Hey. This looks like what the This looks like dog nose, you know how it drips down? You know what I'm talking about? Like when a dog like sticks their nose constantly? That absolutely does not look like that. That looks like fingers. Hey. Real quick. No. Whoa. Do these look like adult footprints or? No. Those look like kids, right? Here, wait. Check this out. Hold on. I just want to do this for the viewer's sake. Here, look. This is the size of one of my footprints. That's an adult footprint. Those are tiny, huh? Yeah. It's pretty deep too. It didn't look like it was this deep when we were walking up. Hey. There's no more footprints. Huh? There's no more footprints. They stopped. They didn't even get all the way. They got like right here on the other side of the creek. But look, look. Look at the bridge. Yeah. They stopped. And there's none around here. That's wild. That's a trip. That is a trip. टीम मेंबर्स को खिड़की पर बच्चे के हाथों के निशान मिलते हैं और बाहर बर्फ पर छोटे पैरों के। रात काफी हो गई तो दोनों ने स्टैटिक कैमरा सेटअप किए और सोने की तैयारी करने लगे। हालांकि जैसा कि सैरा ने बताया, उन्हें भी कुछ अजीब आवाजें बेडरूम के बाहर से सुनाई देने लगी। Yeah. Sounds like a song. That's weird. That's weird, dude. बच्चे के गुनगुनाने का क्रीपी साउंड सुनकर दोनों इन्वेस्टिगेटर्स नीचे पहुंच गए, पर वहां जो उन्हें नजर आया वो बड़ा ज्यादा डरावना था। Hey, cut the light. Dude, I swear to God, I just saw something run past, like outside. Something moved. Dude, what is that? Do you see that right there? Oh, bro, it's moving. It's moving. What the f- is that? Oh, dude. What the? Bro. I can't. I thought that was a shadow. God, bro. It like disappeared. एक डार्क फिगर नदी के पुल पे खड़ी उन्हीं की ओर काफी देर देखती है और सडनली वापिस दौड़कर जंगल में समा जाती है। तो क्या हाथों के निशान और बर्फ पर फुटप्रिंट्स इसी अजनबी आकृति के थे? मुझे कमेंट्स में अपनी राय बताइएगा जरूर।
रेडिट यूजर ईथन ने इस क्लिप को शेयर करते हुए बताया कि रिसेंटली उनका भाई अपने अपार्टमेंट के लिए एक क्रिसमस ट्री लेने अपने माँ के घर पहुंचा, लेकिन जब वे सब सामान अपनी कार में फिट कर रहा था तो उसके अराउंड कुछ बड़ा अजीब घटने लगा। अपना सिर झुकाए एक ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट आकृति पेड़ों के बीच में चलती हुई नजर आ रही है। ये ग्रेइश फिगर सीन में आती है और नीचे झुकने के बाद नजरों से ओझल हो जाती है। हालांकि एक और चीज थी जो लगभग सबसे मिस आउट हो गई। जैसे ही ईथन का भाई गाड़ी का दरवाजा बंद करता है, तभी दो सफेद से हाथ उसके पैर पकड़ने की कोशिश करते हैं। लड़का उस समय ना तो ये फिगर देख पाया और ना ही कार के अंडर मौजूद इन हाथों को। इसे तो ईथन की मॉम ने फुटेज दोबारा रिव्यू करने पर नोटिस किया। टिकटॉक यूजर रेचल हॉवर्ड फिनिक्स एरिजोना में अपने नए खरीदे टीवी की एक शॉर्ट वीडियो बना रही थी, पर कुछ टाइम बाद उन्हें एहसास हो गया कि कुछ बड़ा डरावना वे कैमरे में कैद कर चुकी हैं। So I was just recording this video because I just put my TV up, and in the reflection of the TV, I noticed that there was a figure standing over me. Slowed the video down because at the end of the video, I noticed it literally moves. एक परछाई नुमा आकृति टीवी रिफ्लेक्शन में रेचल के ऊपर खड़ी हुई दिखती है, पर जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तो ये साया साइड में हटकर वहां से गायब हो जाता है। तो क्या रेचल ने गलती से अपने घर कुछ पैरानॉर्मल कैद कर लिया? आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, अब समय है आज की बोनस क्लिप का। चेचनिया रशिया में तीन फ्रेंड्स कार में बैठी फिल्मिंग और सिंगिंग कर रही थीं, जब एक चौथा मेहमान उनके साथ अपीयर हो गया। भयानक ढंग से घायल और विकृत चेहरा बैक सीट पर बैठी लड़की के पीछे जाहिर हो गया, जबकि मोमेंट पहले वहां एब्सोल्युटली कोई नहीं था। ये क्लिप तकरीबन 6 से 7 साल पुरानी बताई जाती है, पर आज भी इसे डिबंक करने कोई आगे नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसे काले जादू ने ले ली एक लड़की की जान, राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखें। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।